और ये पहला वीडियो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी बिटिया के ननिहाल का। ये तितवास गांव जो है, हाय बोलो, हाय करो, हाय। तो दोस्तों, हम लोग आए हैं अपनी बिटिया का ननिहाल में, यानी कि मेरी वाइफ का जो है मायके, और ये गांव का लुक है। तो बिटिया का ननिहाल में हम लोग जा रहे हैं और ये गांव का जो है लुक है। तो कुछ दूर है यहाँ से। तो दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो है आने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, ऑटो पर वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। तो ये गांव का लुक है, बिटिया के ननिहाल का लुक है, और ये पितमास गांव जो है वहाँ से उतर करके जो है ऑटो से हम लोग आ रहे हैं, और आगे जो देख रहे हैं वो गांव है। तो यहाँ से काफ़ी पैदल जाना पड़ेगा, और 11 तारीख को मैं पहुँचा करके जो है लौट जाऊँगा शाम को। देव नानी ही जाके पानी भरेगा क्या? आए नानी, क्या पानी भरने जा रहा है? आए चेहरा दिखाओ, पानी भरने जा रहा है नानी, पानी भरने जा रहा है। देखिए बिटिया गोदी में, अरे तुम तो हंस दो, आज रूठी हुई है। आए पापा तो दूर जा रही है इसीलिए। और ये देखिए दोस्तों, हरा भरा लुक है। तो खेसारी और चना ये सब बुने हुए हैं, और धान वगैरह जो थे वो कटे हुए हैं। इधर किधर जाना है, इधर कि इधर बताओ? तो देखिए धान की खेती होती है, और जो भी खेती होती है वो आप लोग देख रहे हैं। बिटिया गोदी से उतर नहीं रही है, और ये पहला वीडियो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी बिटिया के ननिहाल का। ये पितमास गांव जो है वो करीब 10 किलोमीटर मसौरी से जो है ये उत्तर पड़ रहा है ना, नहीं नहीं ये पश्चिम। तो पितमास जो कि मसौरी से जो है पश्चिम में है, और ये करीब 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। ऑटो आती है पितमास तक, और फिर उसके बाद पैदल हम लोग को अपने बिटिया के ननिहाल में आना पड़ता है। तो हम लोग पैदल निकल रहे हैं, और काफ़ी पैदल जाने के बाद जो है कि गांव मिलती है। जैसे ही पहुंचते हैं गांव पर, तो बिटिया के ननिहाल पर, तो हम आप लोगों को दिखाते हैं वहां का नज़ारा। तो आधा किलोमीटर और रह गया है, उस स्कूल के बाद है। ओ पूरा अंधेरा लगता है। तो ये घर है बिटिया के ननिहाल का, या नानी जी यहाँ हैं। और बिटिया आज 2 दिन तक, 13 तारीख को लौट आई है ना, बड़ी बदमाश हो गई, ये छरिया आ गई है। ये रूम और तो ये चाचा जी का है, और ये तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और वाइफ के जो अपनी जो अपना जो घर है वो अभी कच्चा है, और इसको तोड़ करके जो है बनवाना है। तो ये एक और रूम है दोस्तों। तो फिलहाल अभी कभी कभार जैसे तैसे आकर के लोग रहते हैं। तो ये चाचा जी का जो है ये कंप्लीट है, अभी ये प्लास्टर होना बाकी है। और ये आप लोग समझ ही सकते हैं कि काम के दौरान ये सब सीन है। तो खाना जरूरी है क्या? खाना तो 13 तारीख को रिटर्न लेगा ये लोग।
दीबू और बुनी। तो दोस्तों मैं यहाँ से वॉइस ओवर करके आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त ऑन कैमरे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सका। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि मेरी बिटिया का ननिहाल ऐसा क्यों है। तो दोस्तों मेरी बिटिया के 3 मौसी हैं जो अपनी हैं, और एक मेरी वाइफ से बड़ी हैं और 2 छोटी हैं। तो उनके शादी में कर्जे काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, और खेती जो थी उसकी फसल बार बार बर्बाद हो जाने के कारण जो है कि खेती गृहस्थी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो है कि कर्जे ज़्यादा हो जाने के कारण जो है कि आउट ऑफ स्टेट अर्निंग करने के लिए जो है खेती छोड़ कर के अर्निंग करने के लिए बाहर के स्टेट में जा कर के फैक्ट्रियों में रोज़गार करते रहे, और धीरे धीरे अब कर्जा चुकाते चले गए। और अब जो है कि वो लोग अपना घर किसी न किसी तरह से जो है कि बनाने में कोशिश में लगे हुए हैं। तो घर का बंटवारा हुआ, जिसमें से कि चचा जी के जो बच्चे हैं वो, यानी कि मेरी वाइफ के चचेरे भाई जो कि यहीं रहते हैं बिहार में, तो वो लोग अपना घर बना रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरे वाइफ के पिताजी भी धीरे धीरे बनाने में लगे हुए हैं। तो ये जो है बड़े चचा जी का जो है जो घर है देख रहे हैं, जो कि उन्होंने बना रखा है, और ये कुछ हिस्सा जो देख रहे हैं वो शायद दूसरे चचा जी का हो। तो ये आंगन दोस्तों, तो यही कारण है दोस्तों कि